ओम शांति। आज की तारीख है 1/1/23, तो आज है नया साल और नए साल की आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो, मुबारक हो। तो आइए सुनते हैं आज इस नए साल की प्रथम मुरली, प्राण प्यारे अव्यक्त बाप दादा के शब्दों में। रिवाइज कोर्स की तारीख है 26/3/93 की यह मुरली है। तो आज की इस अव्यक्त मुरली का शीर्षक है कि अव्यक्त वर्ष में लक्ष्य और लक्षण को समान बनाओ। मीठे मीठे अव्यक्त बाप दादा बोले, आज निराकारी और आकारी बाप दादा सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माओं को आकार रूप से और साकार रूप से देख रहे हैं। साकार रूप वाली आप सभी आत्माएं भी बाप के सन्मुख हो और आकारी रूपधारी बच्चे भी सन्मुख हैं। दोनों को बाप दादा देख हर्षित हो रहे हैं। सभी के दिल में एक ही संकल्प है, उमंग है कि हम सभी बाप समान साकारी सो आकारी और आकारी सो निराकारी बाप समान बने। बाप दादा सभी के इस लक्ष्य और लक्षण को देख रहे हैं। क्या दिखाई दिया बाप दादा को? मेजॉरिटी का लक्ष्य बहुत अच्छा और दृढ़ है, लेकिन लक्षण कभी दृढ़ है कभी साधारण है। लक्ष्य और लक्षण में समानता आना ये निशानी है समान बनने की, माना समान हो तब ये निशानी है। लक्ष्य धारण करने में 99% भी कोई है, बाकी नंबरवार है, लेकिन सदा सहज और नेचुरल नेचर में लक्षण धारण करने में कहाँ तक है। स्वभाव में, नेचर में, संस्कार में कहाँ तक ये बातें लक्षण आए हैं दिखाई पड़ते, इसमें बाबा कहते हैं कि माइनॉरिटी है, कम बच्चे हैं। 90% है, बाकी और नंबरवार हैं। तो लक्ष्य और लक्षण में और लक्षण को भी नेचुरल और नेचर बनाने में अंतर क्यों है? बाबा ने तो देखा रिजल्ट, तो बाबा को भी अंदर में प्रश्न उठा है जो हम बच्चों के पास रखा कि हमारे लक्ष्य और लक्षण में, नेचुरल और नेचर बनाने में अंतर क्यों दिखाई देता है? समय प्रमाण, सर्कमस्टेंसेस प्रमाण, समस्या प्रमाण, कई बच्चे पुरुषार्थ द्वारा अपने लक्ष्य और लक्षण को समान भी बनाते हैं। कई बच्चे बना रहे हैं, कई पुरुषार्थ में लगे हुए हैं। अच्छा, अब मीठे मीठे बाप दादा याद प्यार दे रहे हैं, सदा स्वयं को बार बार ओरिजिनल स्वरूप में मैं निराकारी हूँ ऐसे निश्चय और नशे में उड़ने वाले, सदा निर्माणता द्वारा महानता की प्राप्ति के अनुभवी आत्माएं, ऐसे निर्माण, सदा महान और सदा आकारी निराकारी स्थिति को नेचर और नेचुरल बनाने वाले सर्वश्रेष्ठ आत्माओं को
बाप दादा का बहुत 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 याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। वरदान सतगुरु बाप दादा का इस मर्जी व जीवन में सदा संतुष्ट रहने वाले इच्छा मात्रम अविद्या भव। बाबा कहते हैं कि आप बच्चे मर्जी व बने ही हो सदा संतुष्ट रहने के लिए। जहाँ संतुष्टता है वहाँ सर्व गुण और सर्व शक्तियाँ हैं, क्योंकि रचयिता को अपना बना लिया तो बाप मिला, सब कुछ मिला। सर्व इच्छाएं इकट्ठी करो, उनसे भी पदम गुना ज्यादा मिला है। उसके आगे इच्छाएं ऐसे हैं जैसे सूर्य के आगे दीपक। इच्छा उठने की तो बात छोड़ो, बाबा कहते हैं इच्छा उठने की तो बात छोड़ो, लेकिन इच्छा होती भी है, एक क्वेश्चन उठ ही नहीं सकता। सर्व प्राप्ति संपन्न है, इसलिए इच्छा मात्रम अविद्या सदा संतुष्ट मणि है। स्लोगन है जिनके संस्कार इजी हैं, माने सरल हैं, वे कैसी भी परिस्थिति में स्वयं को मोल्ड कर लेंगे, एडजस्ट हो जाएंगे सभी बातों में, सभी परिस्थितियों में, सभी व्यक्ति के स्वभाव संस्कारों के साथ। अच्छा, ओम शांति।